हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो कंप्यूटर का लेक्चर है, ये है क्लास थर्ड का कंप्यूटर का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू, द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्लास थर्ड की प्लेलिस्ट है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस विच कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू परफॉर्म अ टास्क। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कई सारी डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है जो एक दूसरे का सहयोग करती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने में। ठीक है, टास्क मतलब क्या हो गया? कार्य, कोई भी टास्क, कोई भी काम करने में। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू मेन कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो दो मेन कंपोनेंट्स को से मिलकर बना होता है, को फॉलो करता है। वो क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और एक चीज यहाँ पे मैंने बोला कि कई सारे टास्क परफॉर्म करने में, कई सारे टास्क का मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट्स। हार्डवेयर जो है, सभी जो बाहरी जो पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जिससे कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, हार्डवेयर की डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को क्या बताया था? जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना भी फिजिकल, जितना बाहरी जो पार्ट है, फिजिकल पार्ट है जिसे आप टच कर सकते हैं, वो है हार्डवेयर। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इज द नेम गिवन टू द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स दैट मेक द हार्डवेयर वर्क। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो नाम है वो इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो प्रोग्राम्स है, उसे हार्डवेयर से कैसे वर्क करता है। हार्डवेयर सिर्फ एक, अगर कंप्यूटर का सिर्फ हार्डवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर ना हो, कोई प्रोग्राम ना हो, तो फिर हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। कैसे वर्क करेगा कंप्यूटर? अगर कंप्यूटर बना के उसका एक डब्बा रख दिया जाए, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम्स होता है, वो किसके द्वारा रन करता है? सॉफ्टवेयर। यानी जो सॉफ्टवेयर है वही हार्डवेयर को से वर्क लेता है। ठीक है, हार्डवेयर तो बस एक ढांचा होता है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। All the physical components of computer system, example the parts which we can see or touch are called hardware. इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि computer system का जितना भी physical components होता है, यानी जितना भी physical part होता है जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो होता है hardware. ठीक है, some of these parts are visible outside the CPU box. लाइक कीबोर्ड, मोनिटर, माउस, स्पीकर एट्सेट्रा। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, यानी बाहर से दिखाई देते हैं सीपीयू बॉक्स के, जैसे कीबोर्ड, मोनिटर, माउस, स्पीकर एट्सेट्रा। ये सब क्या है? ऐसे पार्ट्स हैं जो विजिबल बाहरी दिखाई देते हैं। ठीक है, वाइल अदर्स आर इनसाइड द सीपीयू बॉक्स लाइक हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू चिप एट्सेट्रा। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू चिप, चिप होती है ना, और हार्ड डिस्क के बारे में भी आप लोगों को आगे बताया जाएगा। जैसे सीडी ड्राइव होता है ना आपका, वैसे ही हार्ड डिस्क भी होता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ होता है? ये सब सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। उससे पहले देख लेते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। अ प्रोग्राम इज रिटन बाई अ प्रोग्रामर। और प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्डवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन हार्डवेयर इज ऑफ थ्री टाइप्स। यानी काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, फंक्शन के आधार पे। ठीक है, पहला है इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर के कितने टाइप है? थ्री टाइप। किस पे बेस्ड है? फंक्शन पे, यानी जिस टाइप का जो काम होता है उस हिसाब से उसका टाइप, उसे उस भाग में बांटा गया है। ठीक है,
उसको डिवाइड किया गया है फंक्शन के बेस पे, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस। और माय डियर चिल्ड्रेन, आप लोग को मैंने बताया है कि जो कंप्यूटर का जो वर्ड होता है ना, उसकी मीनिंग आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि इसका टास्क क्या है। जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गया, इससे इनपुट से ही पता लग रहा है कि ये इनपुट डिवाइसेस में जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो क्या होंगी, उससे इनपुट के काम आएंगी, इनपुट देने के काम आएंगी, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में वो डिवाइसेस होंगी जिसमें डेटा प्रोसेस होगा, आउटपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस होंगे जिससे हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसके आप वर्ड पे ध्यान दिया करो, वर्ड से ही इसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। कुछ एक्सेप्शन होता है बट मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला है इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी जिन डिवाइसेस की वजह से हम डेटा इंटर करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। पहला इनपुट, सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो, कुछ इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं नीचे। सबसे पहले क्या है, कीबोर्ड, ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सब लोगों ने देखा है, ये क्या ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्या है, इनपुट डिवाइस है। इससे हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं ना कीज पे। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप डेटा ऑन कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, डेटा टाइप करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, ये जैसे टाइपराइटर की तरह दिखता है। इट यूजुअली हैज 104 कीज ऑन इट। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, 104। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, 104, 104 बटन होती है कीबोर्ड में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अलग अलग कीबोर्ड के टाइप होते हैं। कुछ छोटे कीबोर्ड तो होते हैं, लैपटॉप कीबोर्ड होते हैं, उसमें कम भी होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो यूजुअली पीसी पे यूज़ होता है, उसमें 104 कीबोर्ड होते हैं, कीज होती हैं, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या है, माउस। ये पिक्चर देखिए आप लोग, माउस, इसमें एक इधर बटन होती है, एक लेफ्ट, एक राइट और एक बीच में स्क्रॉल करने के लिए होता है, ठीक है। आइए जानते हैं, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस बोले तो क्या, माउस आप देखते हैं ना, जब माउस को आप मूव करते हैं तो एक एरो, ऐसे एक एरो बनी होती है ना, जो कि कंप्यूटर में मूव करती है, सॉरी आर्ट नहीं हो पा रहे से, एक एरो बनी होती है जो कंप्यूटर पे क्या करती है, मूव करती है। कोई भी आइकन पे हमें क्लिक करना है, एरो को उस आइकन पे ले जाते हैं और क्लिक करते हैं और वो पेज ओपन हो जाता है या वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बाय केबल, ये केबल के द्वारा CPU से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अ माउस यूजुअली हैज 2 बटन्स ऑन इट। माउस में यूजुअली 2 बटन होता है, मैंने बताया ना, एक लेफ्ट होता है, एक राइट बटन। इट इज यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और ये इस बटन का काम क्या होता है, कोई मूव करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए और किसी भी पॉइंट करने के लिए, किसी भी वर्ड को या किसी भी आइकन को पॉइंट करने के लिए, ठीक है। और किसी भी फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है वो भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई पिक है या कोई आइकन से उसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे इस पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर, और ये पिक्चर ड्रॉ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, जॉयस्टिक, ये है जॉयस्टिक, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। जॉयस्टिक क्या होता है, अ जॉयस्टिक इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जो पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करने का काम करती है, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज व्हाइल प्लेइंग गेम्स, और इसका ज्यादातर यूज किस में होता है, गेम खेलने में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कैनर, माइक्रोफोन, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट, इसके बाद आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है बच्चों। आप लोग इसे ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को आप लोग देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे इनपुट, 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा। 2 इनपुट डिवाइसेस का नाम आप लोग को बताना है, ये क्वेश्चन है आज का, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे.